मुरैना, यहाँ कभी डकैतों का राज था। चंबल के बीहड़ों का नाम सुनकर ही लोग कांप जाया करते थे। ये वो मुरैना शहर है जो राजनीति के नजरिए से ही नहीं बल्कि यहाँ के बागियों के किस्सों और खनन की खबरों में हमेशा से चर्चा में रहा। ग्वालियर शहर से 20 किलोमीटर दूर मुरैना प्रसिद्ध शहर है। कई बड़ी ट्रेन यहाँ के रेलवे स्टेशन पर रुकती हैं, तो यहाँ की गजक भी पूरे देश में मशहूर है। पर्यटन के लिए भी ये इलाका प्रसिद्ध है। महाभारत काल से भी पहले का गांव कुंतलपुर और राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी के साथ यहाँ कई ऐतिहासिक जगहें हैं। बात राजनीतिक इतिहास की करें तो पहला चुनाव 1952 में हुआ, जिसमें बाजी कांग्रेस के नाम रही। इस सीट पर कांग्रेस के साथ जनसंघ और भारतीय लोकदल का भी राज रहा, लेकिन बीजेपी ने बाजी मारी 1989 के चुनाव में। हालांकि वो 1991 के चुनाव में कांग्रेस से हार गई। कांग्रेस की यहां से यह आखिरी जीत थी, क्योंकि 1996 के चुनाव में बीजेपी ने यहां से वापसी की और तब से ही इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। अब यहां के सियासी समीकरण को समझते हैं। 1952 से ही इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन 1971 के आम चुनाव में जनसंघ ने यहां से जीत दर्ज की और 1977 के चुनाव में बाजी भारतीय लोकदल के नाम रही। इसके बाद हुए 1980 और 1984 के चुनाव में कांग्रेस ने वापसी की। ये वही साल था जब बीजेपी अस्तित्व में आ चुकी थी। 1989 के चुनाव में बीजेपी यहां से पहला चुनाव जीती। 1991 में कांग्रेस ने उसे हरा दिया, लेकिन बीजेपी का इस सीट पर स्वर्णिम काल 1996 के चुनाव से शुरू हुआ, जब बीजेपी के अशोक अर्गल ने यहां से चुनाव जीता और वो लगातार 4 बार यहां से सांसद रहे। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां से अपना उम्मीदवार बदल दिया और मौजूदा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मैदान में उतारा और वो मुरैना लोकसभा सीट से चुनाव जीत गए। बात 2014 के लोकसभा चुनाव की करें तो बीजेपी ने यहां से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनूप मिश्रा को चुनावी मैदान में उतारा था और वो यहां से चुनाव जीत गए। उन्होंने बीएसपी के वृंदावन सिंह सिकरवार को हराया था। इस चुनाव में अनूप मिश्रा को 3,75,567 वोट मिले थे, तो वहीं वृंदावन सिंह सिकरवार को 2,42,586 वोट मिले थे। दोनों के बीच हार जीत का अंतर 1,32,981 वोटों का था। बता दें कि वृंदावन सिंह सिकरवार पहले कांग्रेस में थे, लेकिन चुनाव से पहले उन्होंने बीएसपी का दामन थाम लिया। वहीं कांग्रेस के डॉक्टर गोविंद इस चुनाव में तीसरे स्थान पर थे। उनको 1,84,253 वोट मिले। पूर्व जो सांसद बने अनु मिश्रा जी, उन्होंने जो वायदा किए उसमें बिल्कुल खरे नहीं उतरे। उन्होंने कोई कार्य नहीं किया और यहाँ बहुत सारी किसानों की और जनता की जो समस्या है उस पर कोई ध्यान नहीं है किसी का। मूलतः यहाँ पशुओं की, आवारा पशुओं से जो फसल नष्ट हो रही है उसका एक बहुत ही ज़्यादा सघन मुद्दा है। उसके बाद इस गाँव का एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि यहाँ का जो शमशान है वो कब्जा लिया है कुछ लोगों ने, और उस पर हमने कई बार कलेक्टर से और सीईओ से चर्चा की, पर आज तक उसका कभी कोई निदान नहीं हो पाया। देश भर में करोड़ों की संख्या में शौचालय बनाए, आपकी गांव की क्या स्थिति है? मेरे गांव में करीब करीब 30 या 35 बने होंगे, 200 घर की बस्ती में बस। क्यों, कारण? कारण क्या, वहां से तो आए होंगे, यहां पे नहीं मिले हम लोगों को। कई पेपरों में बन के चले गए होंगे, तो हमें तो उसका लाभ नहीं हुआ। अपना गाँव क्या है, बिल्कुल सहसे किनारे बसा हुआ है, फिर भी कोई विकास नहीं हुआ है। नेता सब झूठे वादे करते हैं। बच्चों का खेल का मैदान था, उसको अभी कब्जा कर लिया, लोगों ने मकान बना लिए और उसको कभी खाली नहीं कराया। कई बार शिकायतें की गई और यहाँ पे जो विकास होना चाहिए बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ। कोई बच्चे खेलने कहाँ जाते हैं? पड़ाव में मैदान था, सरकारी जमीन थी, वहाँ पे कम से कम 70 बीघा जमीन थे। वहाँ पे बच्चे क्रिकेट, वॉलीबॉल और ये सब कुछ खेलते थे, लेकिन उस पर लोगों ने कब्जा करा दिया और वहाँ पे मकान बना लिए। फसल तो बढ़िया है पर गाय का नुकसान ज़्यादा है। गाय का नुकसान इतना है, अभी भी गाँव में कम से कम 100-150 गाय अभी पड़ी है, और वहाँ पर जाते हैं कहते हैं गौशाला में लेते नहीं हैं। हम खुद गए हैं करने के लिए, वहाँ लेते नहीं हैं। वो लिखवा के लाओ कलेक्टर पे, SDM पे, और ये और गांव में भी शौचालय के पैसे मिल रहे हैं, वो नहीं मिल रहे हैं।
अभी मेरे खुद नहीं मिले हैं। सेक्रेटरी प्रधान यहाँ के जो लोग और जो मिले हुए हैं ना, कोई आते हैं तो पास कराते हैं, कोई बोलते हैं तुम्हारा आने वाला है आ जाएगा, आने वाला पर मिला नहीं है पैसा लोगों को। पैसा मिलने के लिए लोग भटक रहे हैं इधर उधर, शौचालय आधे बने आधे बने ही नहीं। कर्जा तो किसी का माफ नहीं हुआ है, लाइट बिल जरूर माफ हो गया है, जो लाइट बिल था ना वो माफ हो गया है, बाकी कर्जा तो किसी का भी माफ नहीं हुआ है। इस सीट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर कोई लहर काम नहीं आती है। इस सीट पर चुनाव जातिगत आधार पर होता आया है। ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, पिछड़ी और अनुसूचित जाति बाहुल्य वाले इस क्षेत्र में मतदाता प्रत्याशी के समाज के आधार पर वोट डालते हैं, ना कि पार्टी के आधार पर। अनूप मिश्रा भी ब्राह्मण वोट और नरेंद्र सिंह के वोट बैंक के सहारे ही मुरैना में जीत पाए थे। मुरैना और श्योपुर जिला मिलाकर एक लोकसभा सीट है। इस क्षेत्र में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। श्योपुर, विजयपुर, सबलगढ़, जौरा, सुमावली, मुरैना, दिमनी और अम्बाह यहाँ की विधानसभा सीटें हैं। यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से 7 पर कांग्रेस का कब्जा है, जबकि बीजेपी के खाते में सिर्फ 1 सीट है। यही कारण है कि मुरैना लोकसभा सीट पर कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की एक तरफा जीत ने बीजेपी की परंपरागत सीट को झटका दिया है। कई लोग बीजेपी के विकास की गाथा गाते हैं तो कई लोग परिवर्तन कर अब कांग्रेस को मौका देना चाहते हैं। इस बार भी यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय यानी बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी में है। ग्वालियर से विनोद शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्ट्रीम। लोकसभा की चुनावी चर्चा में हम मुरैना पहुंच चुके हैं और मुरैना मध्य प्रदेश का एक ऐसा शहर है जिसकी अपनी चंबल की पहचान रही है। आगरा के नज़दीक ये शहर है, दूसरी तरफ ग्वालियर बसा हुआ है और मुरैना के बारे में ये कहा जाता है कि मध्य प्रदेश की सीमा यहाँ से लगभग 20 से 25 किलोमीटर पहले शुरू हो जाती है अगर हम दिल्ली से मध्य प्रदेश में प्रवेश करते हैं। तो मुरैना की अपनी पहचान रही है कि यहाँ से ज़्यादातर पिछले कई सालों से बीजेपी के सांसद रहे हैं, लोगों ने भरोसा जताया। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि मुरैना जिस मुआयने पे खड़ा है, क्या उतना ये शहर आधुनिक बन गया है? भले ही इस शहर की अपनी एक पहचान चंबल की रही हो, लेकिन क्या देश की आधुनिक रफ्तार में ये शहर शामिल हो पाया है या नहीं, इसका जवाब आज हम मुरैना के उन लोगों से जानेंगे जो अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं। कुछ लोग राजनीतिक दलों से जुड़े हैं, कुछ व्यवसायी हैं, कुछ समाज सेवी हैं, कुछ छात्र हैं और कुछ पत्रकार हैं। इसके अलावा आम आदमी जो केवल और केवल भरोसा जताता है अपने वोट पर, अपने मतदान पर, और उसके मुताबिक क्या उसकी उम्मीदें पूरी हो पाती हैं या नहीं। मैं इन लोगों से बात शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज मुरैना शहर को आप कहां देख रहे हैं? क्या मुरैना शहर जो पुरानी पहचान रही थी, चंबल और डकैत प्रभावित क्षेत्र माना जाता था, अब उससे निकल के कितना आगे पहुँच गया है? तो बहुत विकास हुआ है मुरैना के अंदर, जब से भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी की सरकार बनी है और शिवराज सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं, तो यहाँ अनेकों डकैत मारे गए हैं। पहले डकैत बाहुल क्षेत्र था ये, अब तो ये बिल्कुल शांति वाला क्षेत्र हो गया है, पर्यटन के लिए बहुत आगे बढ़ गया है। यहाँ शनिचरा मंदिर है और भी बहुत बितावली है और भी पड़ावली है, बहुत सी यहाँ पर प्रातः धरोहर हैं और विकास भी मुरैना शहर में काफ़ी हुआ है। जिस तरह से आपका नाला नंबर 1 हो, नाला नंबर 2 हो, सीवर लाइन हो, जो आपका हाईवे का वो पुल बन रहा है एक्सप्रेसवे वाला, तो काफ़ी विकास हुआ है जो कांग्रेस सरकार कभी तक आज तक नहीं हो पाई। निश्चित रूप से हम लोग जहाँ बैठे हैं, ये भी हमारे जो निवर्तमान सांसद थे, आज वो मुरैना के लिए घोषित हो चुका है नरेंद्र सिंह तोमर, ये जो म्यूज़ियम है उन्हीं की देन है। हालांकि विकास की संभावनाएँ हमेशा रहती हैं और निश्चित रूप से हम विकास की ओर अग्रसर हैं। चंबल एक्सप्रेसवे जो बेहड़ कटाव जो मुख्य समस्या है यहाँ की, हर साल हजारों हेक्टेयर ज़मीन बरसात में कट जाती है। हमारे अभी भाई साहब ने बोला था कि चंबल में जब डकैत वगैरह जो रहते थे तो वो शिवराज सिंह की सरकार आने के बाद उसमें बदलाव हुआ है। हाँ, एक चीज़ का बदलाव तो हुआ है कि डकैत नहीं रहे, लेकिन एक चीज़ में मध्य प्रदेश नंबर 1 जरूर रहा है। नंबर 1 बलात्कार में नंबर 1, नंबर 2 नंबर 1, दूसरा भ्रष्टाचार में नंबर 1। आज जिस मुरैना में आप बैठे हो, इस मुरैना में
कोई भी व्यक्ति कोई भी विद्यार्थी यहाँ पे उच्च शिक्षा नहीं ले सकता, क्योंकि उसे दूसरे ज़िले में या दूसरे राज्य में जाने की ज़रूरत पड़ती है। स्वास्थ्य की आप देखिए, यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री रहे रुस्तम सिंह जी, 15 साल से बीजेपी की सरकार रही। आप अस्पताल को देखिए कि 600 बेड अभी बन रहा है, 600 बेड वाला अभी हुआ नहीं, बन रहा है, लेकिन अभी उसका निर्माण बिल्कुल धीमी गति से है। सीवर लाइन एक प्रस्तावित हुई, कांग्रेस ने उसका प्रोजेक्ट बनाया था, भाजपा नगर निगम में वो आगे बढ़ी और जब ठेकेदार ने काम शुरू किया तो वो उनके नेतृत्व वालों के हिसाब से काम शुरू हुआ है। पूरा शहर खुदा पड़ा हुआ है, प्रथम चरण में ही खोद के डाल दिए, आप कलेक्ट्रेट चले जाओ सामने खुदा पड़ा है, आप अंदर गलियों में चले जाओ खुदा पड़ा है। कि 15 साल बीजेपी का शासन रहा तो बीजेपी में इनका जो पुराना जो गैप रहा वो मात्र भ्रष्टाचारी का गैप इनका जरूर पूरा हो गया। विकास को जानते ही नहीं ये, विकास करना बीजेपी में एक मूल मंत्र सिखाया जाता है कि झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, सिद्ध नहीं हो जाए तब तक बोलो। अब सवाल आता है कांग्रेस गवर्नमेंट का, अभी लेटेस्ट गवर्नमेंट कांग्रेस की है, कांग्रेस जो इनके 15 साल का जो घाटा था कांग्रेस को वो मात्र 6 महीने में ट्रांसफर में अपने घाटे को पूरे करने में लगी है। ठीक है, हाँ 4 हुए हैं लेकिन ट्रांसफर में घाटा पूरा करने लगी है। शहर के विकास से, मध्य प्रदेश के विकास से ना बीजेपी ना कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। सीवर लाइन यहाँ जो एक बाहर का ठेकेदार है, बहुत बड़ा ठेकेदार आया है, नेताओं ने तो एक मोनोपोली अपना ली है, शहर में क्या होना है उससे मतलब नहीं है। ई और कमिश्नर का नंबर चाहिए, ठेकेदार को हैंडल करना उनको आता है, उससे अवैध रूप से महीने बंधे हुए हैं। तो आप विकास, आप बताइए विकास कहाँ से होगा? आप खुद ही समझ लीजिए कि जो आदमी अपने क्षेत्र को छोड़ के भाग रहा है इसका मतलब ये है कि वो निष्क्रिय है, उनने शासन के लिए मंत्री रहते हुए कोई कार्य नहीं किया है, जनता के लिए कोई काम नहीं किया है, विकास का कोई काम नहीं किया है। इसको बीजेपी ऐसे कहती है कि हमने सब जगह काम किया इसलिए कहीं से भी लड़ ले जीत जाएंगे, ये तो मन का भ्रम है। अब आप लड़के देखिए, अब जनता इनको बताएगी कि एक बार आए कुश्ती लड़के चले गए, फिर द्वारा पटक खा के फिर चले गए, अब लौट के फिर कुश्ती लड़ने आ गए, इसका मतलब थोड़ी होता है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने काम नहीं किया तो मैं अशोक अरगल से लेकर अनु मिश्रा तक कार्य गिना सकता हूँ जो कांग्रेस ने कभी नहीं किए। कोई एक बड़ा काम इन्होंने किया हो तो बता देनी है। मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे 4 पुलों का निर्माण नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया था, क्योंकि वो इतने बड़े नेता थे, यहाँ पे घंटों जाम लगता था नेपरी पे और इस पे शिखरौदा पे, जो आज अपने 1 सेकंड में निकल जाते हैं, जो दो दो चार चार घंटे का जाम लगता था, प्रतिदिन का काम था। मोदी जी आए थे तो उन्होंने बड़े लंबे लंबे चौड़े वायदे, जो पता नहीं क्या धारा देंगे, राम मंदिर बनवा देंगे, डॉलर तो पता नहीं नीचे आ जाएगा, डीजल पेट्रोल पानी के भाव हो जाएगा। उन बातों में चुनाव लड़े थे 5 साल आपने, उसके बाद में सरकार भी चलाई। अब हमें ये बताएंगे ये उसमें एक आध वादा पूरा हुआ है क्या? क्या उस पर चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाह रहे? ये फर्जी ये प्रोपेगेंडा क्यों देते हो? देश का विकास नहीं हो रहा है, विकास उन लोगों का हो रहा है जो नेताओं के पीछे गाड़ी लगा के घूमते हैं, उनके पैरों को छूते हैं। हम बेरोजगार तो बेरोजगार रहे, पहले 1 करोड़ थे, अब 5 करोड़ हो गए। अब नेता और बड़े बनेंगे, अगर उनके चाहने वाले बनेंगे तो उनके पीछे और गाड़ी वाले लगे तो हम बेरोजगारों की तो संख्या बढ़ेगी, हमें रोजगार मिलेगा ही नहीं। मुरैना की जो चर्चा है वो पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि स्थायी रोजगार होना चाहिए, परमानेंट ऐसी व्यवस्था होना चाहिए जिससे लोगों को बाहर न जाना पड़े।
मुरैना में भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से जीतती आ रही है और जनसंघ के ज़माने से ही हमारा ये गढ़ है। एक दो बारी कांग्रेस जीती है, पिछले 5-6 चुनाव से हम ही जीत रहे हैं। जहाँ तक काम की बात है तो पिछले 10 सालों में मुरैना में बहुत काम हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये एक तो बस जो कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी और ट्रेन कनेक्टिविटी, उसको अगर हम ध्यान देंगे तो सबसे बड़ी बात ये नैरो गेज को ब्रॉड गेज बदलने वाला काम इसी बार में मंजूर हुआ है और काम भी शुरू हो गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ग्वालियर को सीधा कोटा से जोड़ा जा रहा है, सवाई माधोपुर तक जाएगी ये रेल लाइन, और इसके जुड़ने से श्योपुर का आदमी कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली से सीधा जुड़ जाएगा। तो सरकार को ऐसी नीति बनाना चाहिए, अब तो कांग्रेस की सरकार है, अगर हमने नहीं बना पाई ये ऐसी कोई नीति बनाए कि इसमें बैरियर लग जाए, बैरियर लगाया जाए इस पर और उसको वैधानिक किया जाए, रेत का हो चाहे पत्थर का हो, मैं उसको अच्छा नहीं मानता। मैं इसके कतई खिलाफ़ हूँ, अवैध उत्खनन के, और बीजेपी भी उसके कतई खिलाफ़ है। व्यक्तिगत कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी आड़ में कुछ लोग काम करते रहते हैं, लेकिन हमारी प्रोत्साहन देने की कोई इच्छा कभी नहीं रही, ये इच्छा केवल कांग्रेस के लोगों में रहती है। भारतीय जनता पार्टी इस मध्य प्रदेश में 15 साल सत्ता में रही, उसी दौरान ये लोकसभा चुनाव में मुरैना से सांसद भारतीय जनता पार्टी के रहे। पिछले 2-3-4 चुनाव में ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे, लेकिन कोई भी सांसद ये बताते कि उसने कौन सा काम किया, कौन से जनहित में कार्य किया। देखा जाए तो लोगों का आराम और राहत, उसका शांति और सुकून भी उसने छीना लोगों से। पकड़े हुई, गुंडागिर्दी हुई, महिलाओं के साथ में अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार हुआ, गरीबों के साथ में शोषण हुआ, हमारे दलित भाइयों के साथ में जबरन उनकी ज़मीन पर वसूली करने का और कब्जा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए हुआ। मुरैना से लेके बुधारा से लेके बड़ौदा तक, पूरे मुरैना और श्योपुर ज़िले में जितना अन्याय, अत्याचार, जुर्म, जासी और व्यभिचार जो आम आदमी के साथ हुआ, ये जनता चिल्लाने लगी है। और उसका कारण ये है कि आज कोई भी सांसद, आज जो वर्तमान सांसद है उसका टिकट काटा गया। क्यों काटा गया? भारतीय जनता पार्टी वालों से आप पूछो, अगर वो इतने लोकप्रिय होते, उनका इतना अच्छा जनहित में कार्य होता तो उनका टिकट क्यों बदला गया? अपने देश के धार्मिक ग्रंथों में हम सब ने द्वापर युग के बारे में पढ़ा और जाना है। द्वापर युग में कौरव और पांडवों के युद्ध के बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं, और लोग ये जानते हैं कि कौरव कहाँ रहते थे, पांडव कहाँ रहते थे, और कुंती उनकी माँ पांडवों की, उनके बारे में हम सब ने पढ़ा है, जाना है। मैं आज उसी गांव में हूँ जिस गांव में कुंती रहा करती थी, और ये कुंतलपुर गांव है। कुंतलपुर गांव के बारे में ये कहा जाता है कि वर्तमान में इसका नाम कुतवार है, इससे पहले कुंतलपुर हुआ करता था, और यहाँ के राजा थे कुंती भोज। लेकिन विडम्बना इस बात की है कि आज हमारे देश की ये प्रमुख धरोहर है, हमारे संस्कृति का एक अहम हिस्सा है, जहाँ खंडहर नुमा इमारतें बनी हैं। खासियत ये है कि ज़्यादातर इमारतें एक के ऊपर एक पत्थर रख के बनी हुई हैं, और इन्हीं इमारतों के बीच लोग आज भी इस गांव में रहते हैं। ये कुतवार के वो सारे लोग आज अपनी बात कहेंगे, और हमारे दर्शक जान सकेंगे कि देश की इस ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए या इसके विकास के लिए क्या वाकई में नेताओं ने कुछ काम किया। हमेशा अपने पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि 5000 वर्ष से भी प्राचीन नगर है ये, और महाभारत कालीन से भी प्राचीन है, और यहाँ पर कर्ण का जन्म हुआ, कुंती के कर्ण का जन्म हुआ इसी गांव में। ढह रहे हैं, अब प्राचीन खंडहर पड़े हैं, उनकी कोई देखभाल है नहीं, ना तो प्राचीन मतलब वो पुरातत्व संग्रहालय बनवाया यहाँ, उसमें सभी जो मूर्तियाँ गांव में रखी हैं उनको इकट्ठा करेंगे, एक संग्रहालय बन जाए उसमें रख जाए। गांव के हिसाब से कोई उन्होंने विकास नहीं किया, जैसे जब खरंजा बन रहा है या रोडें बन रही हैं या लाइट बिजली का काम चल रहा है, तो ये तो अमूमन होते ही शासन के काम ही हैं, लेकिन व्यक्तिगत जो इस गांव के लिए जो होना था प्राचीन इतिहास के हिसाब से, वो काम आज तक किसी ने नहीं किया है। जो करके क्या होना चाहिए था,
ये होना चाहिए था कि इसमें जो है कोई ऐसी विशेष जो है सुविधाएँ ऐसी दी जाएं। अब लोग क्या कर रहे हैं, बाजार के लिए भाग रहे हैं, वो क्यों भाग रहे हैं? यहाँ कोई पाठशाला नहीं है, यहाँ कोई ऐसा विकास नहीं है, रोड साधन नहीं है, यहाँ कोई जैसे आदमी रोजाना चला जाए, रोजाना जो है बाजार से यहाँ आ जाए, तो इसलिए लोग यहाँ से भाग रहे हैं। और उसका ये कारण हो रहा है कि खंडर होता जा रहा है दिन प्रतिदिन जो है, और खेती के लिए कोई विकास नहीं हो रहा है। बगल में बंदा बना हुआ है, बांध बना है, लेकिन हमारी खेती जो है इससे सिंचाई नहीं हो रही है बांध से बिल्कुल कैसी भी, क्यों खेती ऊंचाई बढ़ गई है, बांध नीचे में बढ़ गया है। तो लोग अपने साधन से कुछ करते धरते हैं, अपने कुआ वगैरह से वैसे ही, सो भी उसमें लाइट का कोई वो नहीं है। तो तत्कालीन प्रोफेसर जो ब्रजवासी लाल थे, जो प्रोफेसर थे, और उन्होंने यहाँ पे एक्सक्रीशन शोध किया 96-97 में कि ये वास्तविक महाभारतकालीन है भी कि नहीं। तो शोध में ये पाया गया कि यहाँ पर जो पुरावशेष उस समय के बीड और बहुत से एविडेंस जो मिले खुदाई में 36 मीटर तक नेचुरल गेम तक यहाँ पर गई शोध में, तो उसमें जो है अवशेष प्राप्त हुए थे उनसे ये सिद्ध हुआ कि ये महाभारत काल जो हस्तिनापुर में खुदाई उनसे प्राप्त अवशेष है, उसमें मैं भी था खुदाई में। और मैंने इससे संबंधित कुछ जो है राम प्रसाद बिस्मिल संग्रहालय, शहीद संग्रहालय जो है मुरैना में, उसमें से जो है मैंने कुछ अवशेष मेरे पास से के बीट्स वगैरह जो थे वो मैंने उसमें जमा भी किए हैं, आज भी उसमें संरक्षित हैं। तो यहाँ पर उस समय जो मैनुअल जोसेफ साहब जो असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट थे उनके प्रतिनिधित्व में यहाँ पर खुदाई हुई थी, तो गांव वालों ने ये मांग की थी कि यहाँ पर एक संग्रहालय बनना चाहिए, जो कि गांव में टूटी फूटी मूर्तियाँ जगह जगह बिखरी पड़ी हुई हैं, कुछ पुरावशेष पड़े हुए हैं, तो उस संग्रहालय में उनको रखा जाए और जो है इसको जो है पर्यटन की दृष्टि से, क्योंकि बगल में डैम भी है। बिल्कुल, मैं समझ गया आपकी बात, पर्यटन की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण ये गाँव है। मसाले से नहीं बनते, चूना से नहीं बनते, ये कच्चे गिलाए के मकान बनते हैं यहाँ पर, और गिर के कोई मरा नहीं है आजकल, दब के मरा नहीं है, क्योंकि ये गांव शक्ति है और बहुत महान है ये गांव, और दुनिया में इसका नाम हो रहा है। इंग्लिस की सरकार कतई देखभाल नहीं कर रही है, और यहाँ की जनता भी ये बेचारी क्या करे, सवारी है नहीं, बड़ी मुश्किल से आए, ऑटो मिले नहीं, नाज मिले नहीं, बेचारे किसान परेशान है, जनता परेशान, गाँव है ना कछु, क्या करें बेचारे। जो है इम्प्रूवमेंट होना चाहिए सर, इधर की जो है ना सरपंच वगैरह है जो है ना ये बिल्कुल मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं चाहते इधर के, मतलब जो है ठीक है ना, इसमें ये है मतलब दो राय। तो गांव के लोगों ने मिलके कहीं कोशिश की कि इसको कैसे बढ़ाया जाए, क्या किया जाए, क्या अगर गवर्नमेंट भेजती भी है तो उसको दूसरी जगह भेज देती है, जो भी सुविधा देती है गवर्नमेंट इस गाँव के लिए उसको क्या करते हैं सरपंच वगैरह जो है ना और लेकर के दूसरे गाँव में जो भेज देते हैं, मतलब जो है पुरातत्व की जो विभाग की चीज़ें हैं वो लुप्त होने के कगार पे हैं। अगर सरकार चाहे तो इन चीज़ों को अभी भी संभाल सकती है, इनका कोई ना कोई विकास बना, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कोई अस्पताल की सुविधा नहीं है, और दूसरी चीज़ कहाँ कोई शिक्षा का ऐसा विकास नहीं है, कोई ऐसा स्कूल भी नहीं है, कोई हायर सेकेंडरी तक स्कूल भी हो, अगर उससे भी कोई होता हमारे यहाँ का गांव का प्रकोष्ठ विकास होगा, जरूर होगा, अगर ये चीज़ें आएंगी तो जरूर कुंतनपुर का नाम आएगा अवश्य, क्योंकि यहाँ पे चंबल नदी का रेत आता है तो उसका ठेका वेगा तो है नहीं, अगर उसका ठेका हो जाए तो आदमी रांटी कटा के अपने स्वतंत्र रूप से ट्रैक्टर चलाएगा तो उसे पकड़ा धकड़ेगी दिक्कत ना रहेगी, तो वो अपना धंधा करेगा और अपने बच्चों का पालन पोषण करेगा, आप रॉयल्टी लगेगी जो रॉयल्टी देगा। पहले तो जहाँ में 3 बाजार आता है कोई बात ही कमी नहीं आती, और अब जैसे दिन पे दिन देखो तो अब पानी पैदा मुश्किल है जागो खजी के माए। बाजार में क्या क्या मिलता था यहाँ पहले? यहाँ बर्तन मिलते थे, शक्कर, गुड़, तेल, चामर, कपड़ा, जो चाहता है आठ जही होती, अब जै आठ जै के बजाय पे मुरे ने पहुंच गई है। यूपी सरकार ने अच्छे काम किए हमारे हिसाब से, हमारे एक गांव में नहीं हुआ तो क्या, सारी जगह भाई अच्छे काम किए, लेकिन कछु भी ने भूलें की, थोड़ी सी घोषणा कर दी और बाद में उनको इनकार कर दिया, जैसे कि लाडली योजना निकाली बिन्ने, एक बच्ची पर जो है उसको लाभ दिया जाएगा, जिन लोगों ने 3-3, 4-4 बच्चियों को बचाया, अब इनको कुछ नहीं मिलेगा साहब। कुछ ऐसी हवा ऐसी चली कि बीजेपी सरकार को काफ़ी हमने वोट दिए, काफ़ी मंत्री और भी हुए, लेकिन उन्होंने खासा कोई विकास नहीं किया जिससे जनता थोड़ा जो है संतुष्ट है, या कुछ भूलों के कारण उसे, तो अब की कुछ ऐसी लहर चली है, वो कैंडिडेट से मतलब नहीं है उसका, कैंडिडेट से यही होना चाहिए, कैंडिडेट से कैंडिडेट तो कोई भी कर दो उसके लिए, कुछ हवा ऐसी चली तो
उसको जो पीछे धकेल दिया और कांग्रेस सरकार पूरे मध्य प्रदेश में जो बन गई। अब ये चल रहा है देखो, अब कांग्रेस सरकार जो बन गई, अभी कितने दिन हुए हैं, 4-5 महीने हुए हैं, अभी ज़्यादा नहीं, 4-5 महीने हुए हैं, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे जनता संतुष्ट हो। तो फिर एक ऐसी लहर चल रही है, कुछ बीजेपी की ऐसी लहर चल रही है कि बीजेपी, मुझे अंदाज है कि फिर से बीजेपी का शासन जो है अपने मध्य प्रदेश में ही होने वाला है। दरअसल गांव की स्थिति है कि जो लोग गांव में रहते हैं, जो अपना छोटा मोटा काम करते हैं, उनको राजनीति से बहुत ज़्यादा वास्ता पड़ता नहीं है, लेकिन जो लहर चलती है गांव, जहां मन बनाता है, ज़्यादातर लोग वहां वोट करते हैं, क्योंकि गांव का भविष्य लोग देखते हैं, गांव का एक संरक्षण करने का सपना देखते हैं। लेकिन कुछ अहम सवाल इस गाँव से निकल के आए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सरकार ने दिया, लेकिन जिसने 4 बेटियां बचाईं, 4 बेटियों को पढ़ाया लिखाया, उसको सरकार ने कुछ नहीं दिया। 1 बेटी है तो दिया, और ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से निकल के आया है। बड़े बड़े नेता इस क्षेत्र से प्रतिनिधि रहे, लेकिन देश की सांस्कृतिक विरासत, देश का इतिहास से जुड़ा ये कुंतलपुर गाँव, जिसे अब कुतवार कहते हैं, उसका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, और खंडहर बने इस पूरे गांव के खंडर पत्थर धीरे धीरे अब गिरने लगे हैं और लोग पलायन करने लगे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, कुंतलपुर, मुरैना।